इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो आप ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते ये स्कॉलरशिप सभी जेंडर और सभी कास्ट के लिए ओपन है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना साइमन स्कॉलरशिप 2024 सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ओपन है यहाँ पे साइमन स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है आपको कंप्लीट ट्यूशन फीस

हॉस्टल बुक्स स्टेशनरी इवन आप कोई एडिशनल कोर्सेस ले रहे हो तो उसकी फीस भी आप इसमें कवर कर सकते हो एंड ये स्कॉलरशिप की एक बेस्ट पार्ट ये है कि आप ये स्कॉलरशिप को एवरी ईयर रिन्यू भी कर सकते हो वहाँ पे आपको एक चीज का टेक केयर करना पड़ेगा कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स मतलब आपके प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर के मार्क्स को 60 मेंटेन करना मैंडेटरी हो सकता है बट मेक श्योर वहाँ पे आपके कोई भी सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट की बैकलॉग्स नहीं रहनी चाहिए ये स्कॉलरशिप 50% रिजर्व फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स टू प्रमोट द गर्ल एजुकेशन सिमेंस स्कॉलरशिप 2024 सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है बट उसके साथ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी है उसको मैं आपको वन आफ्टर द अदर एक्सप्लेन करूंगी ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने अपना फुल टाइम कोर्स ऑफ किया है मतलब रेगुलर या फुल टाइम कोर्स आपने एडमिशन लिया है देन ओनली ये स्कॉलरशिप आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप पार्ट टाइम या डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ किए हो तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल प्रोडक्शन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये सभी ब्रांचेस के लिए ये स्कॉलरशिप ओपन है ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपकी एज बिलो ट्वेंटी रहनी चाहिए ये स्कॉलरशिप सभी कास्ट एंड सभी जेंडर के लिए ओपन है आपका परसेंटेज क्लास टेन में मिनिमम सिक्सटी रहना मैंडेटरी है एंड क्लास ट्वेल्व और इक्विवेलेंट कोर्स में एग्रीगेट फिफ्टी रहनी चाहिए एंड पी सी एम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक की एग्रीगेट आपका मिनिमम सिक्सटी रहना मैंडेटरी है एंड आपकी फैमिली इनकम लेस देन टू लैक्स रहना भी मैंडेटरी है टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी डू आई नीड टू मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू विन और बैक द स्कॉलरशिप येस हर एक स्कॉलरशिप प्रोवाइडर अपने लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मैं करते हैं तो आपको वो मीट करना है अगर आपको स्कॉलरशिप विन करना है तो लाइक वाइज साइमन स्कॉलरशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर की बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड उसके साथ साथ आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करो जो मैं नेक्स्ट फेज में आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है तो स्किप किए बिना ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इसका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन किया है इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना

द सिटी यू बिलोंग टू स्टेट यू बिलोंग टू और द डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग टू सभी डिटेल्स फिल कीजिए यहाँ पे बहुत सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं सभी मैंडेटरी फील्ड्स को आपको फिल करना है उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए वहां पे आपको अपने फैमिली डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा जैसे कि आपका फादर का नेम उनका ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन मदर का नेम एंड एंड उनका आपको प्रोवाइड करना होगा आपकी एनुअल फैमिली इनकम अगर आपके मदर एंड फादर दोनों वर्क कर रहे हैं तो दोनों का मिला के ही आपको एनुअल इनकम मेंशन करना होगा क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन जहाँ पे आपको आपकी प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा क्लास टेंथ या एस एस एल सी में आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया है वो मैंशन करो देन क्लास ट्वेल्व की परसेंटेज को मैंशन करो देन पी सी एम बी कॉम्बिनेशन के मार्क्स को मैंशन करना इंडिविजुअली मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को आपको एंटर करना होगा जेडब्ल्यू या सीई टी के रैंकिंग को आपको मैंशन करना है इस स्कॉलरशिप रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए मैं आपके सारी कमेंट्स को आंसर करूंगी अभी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपके कॉलेज की डिटेल्स मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा दैट इज नेम ऑफ योर कॉलेज देन टाइप ऑफ द कॉलेज मतलब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है सेलेक्ट करो एंड ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर फुल टाइम कोर्स के लिए इंजीनियरिंग कोर्स को ऑफ किया है कोई भी ब्रांच जो जो मैंने मैंशन किया है उनके लिए उतना ही अप्लीकेबल है देन आपको प्रोवाइड करना है इंस्टीट्यूशन का एड्रेस ब्रांच जो आपने ऑप्ट आप किया है फर्स्ट ईयर कॉलेज की फीस क्या है देन अगर आपने कोई अभी तक स्कॉलरशिप विन किया है तो आप रेडियो बटन को येस yes कर सकते हो देन आपको वहां पे डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा नेम ऑफ द स्कॉलरशिप एंड कितना अमाउंट आपने स्कॉलरशिप विन किया है अगर आपने कोई स्कॉलरशिप विन नहीं किया तो यू कैन लीव दैट एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन जहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन का एक रिव्यू मिलेगा प्रिव्यू ऑप्शन रहेगा सभी डिटेल्स को डबल चेक कीजिए अगर कोई भी करेक्शन है तो प्रीवियस बटन क्लिक करके आप अपनी इंफॉर्मेशन को अल्टर कर सकते हो बिफोर सबमिटिंग वंस यू रिव्यू योर एप्लीकेशन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन दैट डिफाइंड कि आपने अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो सभी ट्रू है कोई फेक या फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं किया है देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन अगर ये स्कॉलरशिप में आप शॉर्ट लिस्ट हो रहे हो तो आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा थ्रू मोबाइल नंबर या ई मेल आई डी जो आपने अपने पर्सनल डिटेल में फिल किया था Then you need to provide the necessary documents like your Aadhaar card, income certificate proof, bank passbook, bona fide certificate, college fees, receipts, marksheet of class 10th and 12th as a proof of your academic records. Then you need to provide the domicile certificate if it is required. I hope this information was helpful for you. Share this video with all engineering students so that he or she can continue her engineering degree without any hassle. Signing off, take care until next time.